हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अब हैंड रिटन नोट्स में डिटेल में करेंगे हम लोग। जैसे मार्च 2023 का नेशनल करेंट अफेयर्स का मैं नोट्स बना चुका हूँ, नेशनल करेंट अफेयर्स का। और इसको कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा उस वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। जैसे इस मैगजीन में दिया हुआ 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023, हमको पीछे से शुरू करना है। मतलब पहले हमको यहाँ पे पहले मार्च वाला करेंट अफेयर्स कर लेना है। और सबसे पहले आपको पता है हम नेशनल करते हैं, फिर इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये पार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो चैप्टर होते हैं ना, इंडेक्स, रिपोर्ट, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंस वाइज हम करते हैं, वन लाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं करेंट अफेयर्स के, वो ये सब डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हो गया। तो इसमें हम डिटेल में काफ़ी स्टैटिक लिंकेजेस करने वाले हैं। और एक और चीज़ बता दूं, जो भी मैंने एडुटेरिया पहले की है उससे आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका काफ़ी स्टैटिक मैं यहीं पे रिवाइज कर दूंगा। और करेंट अफेयर्स का भी लिंकेजेस करके मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत बताऊँगा, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा ऐसे बता दूंगा आपको, आपको एक्स्ट्रा लगेगा भी नहीं और आपको काम भी आ जाएगा। मतलब एक तो होता है एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती देना, एक तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो इससे रिलेटेड है, हमको पता ही होना चाहिए, हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए, है कि नहीं। यही हम करने वाले हैं। तो एक ये करेंट अफेयर्स हम काफ़ी डीप करने वाले हैं। और जैसे आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम, जैसे टीचर्स वाला एग्ज़ाम है या बीपीएससी 69th बीपीएससी है, तो इन सब में एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ये पुराना नहीं आ पाएगा। हम अभी फोकस क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2023 तो करेंगे, अप्रैल, अभी देखो अभी मार्च है, इसमें मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, मतलब अगस्त के बाद करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अप्रैल 2022 है ना, ये पुराना उतना नहीं करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितने महीने हो, 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 5 दिन, 8 महीने इसे करेंगे, ठीक है। हमें 8 महीने भी इसे करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखो सटीक करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज़ देखो, एक तो ये वाले मैगजीन से कर रहे हैं, एक आई दृष्टि वाले मैगजीन से हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मैगजीन हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट नहीं है, आप चाहे मानो या ना मानो, ठीक है। उसके अलावा एक ईयरली मैगजीन भी से भी हम एटलीस्ट 6 मंथ का करवाएंगे, चाहे आप इसमें, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप पीडी बोलो, क्योंकि मैंने एक वीडियो अभी बनाया कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ना चाहिए, आप उससे बोलोगे मैं उससे करा दूंगा, विजन आईएएस के मैगजीन से बोलोगे प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उससे कलेक्ट करके नोट्स भी मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर टेक्स्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, एडुटेरिया करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया होता है, जैसे आपको 50वां चैप्टर निकालोगे तो इसमें मिल जाएगा आपको नेशनल करेंट अफेयर्स यानी नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में मंथली वाइज, मंथ वाइज दिया होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्च 2023। अगर आप ऑलरेडी कर चुके बुक से, फिर भी ये वीडियो देखो, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है बुक से अलावे, ठीक है, 2023 वाला, ठीक है। अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कोर्स चाहिए, क्राउन जीएस कोर्स चाहिए, क्राउन जीके जो किताब है ना उसको हम हिंदी में भी करवा रहे हैं अभी, इंग्लिश में तो आपको पता है, हिंदी में भी अब करवा रहे हैं, और क्राउन जीके प्लस एनसीईआरटी समरी, ये इसका मिक्सर है, इसी नंबर पे आप टेक्स्ट करना। और एक और बीपीएससी से रिलेटेड हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर सिर्फ बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट होगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिहार डे। बिहार डे अभी 111वां बिहार डे मनाया गया, 22 मार्च 1912 को पहली बार बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था। जब बंगाल से अलग हुआ था वो कब अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा। 1936 में फिर बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद एक और चीज़ बताया, आपसे पूछा जा सकता है बिहार जो एक सेपरेट प्रोविंस बना हो किस एक्ट में बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। और जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ तो उस समय बिहार के गवर्नर किनको बनाया गया था, बिहार के गवर्नर बनाए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1912 में बिहार के गवर्नर कौन बने थे, चार्ल्स स्टुअर्ट वेलेंग, ये 1 अप्रैल 1912 को बने थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर कौन थे, जयराम दास दौलत राम। और जब झारखंड अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर 2000 को, तब थे वी सी पांडे,
तो ये सारे फैक्ट याद रख सकते हैं। इंडिपेंडेंस के समय जयराम दौलतराम थे, तो ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं करवा चुका हूँ। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड के नैनीताल में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस और एक है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एराइज करके नाम आता है, ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, इन दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया है। ये स्टेशनरी से थोड़ा, ये जो लिक्विड है ना वो कन्वेंशनल से थोड़ा अलग होता है। जो कन्वेंशनल होता है ना मूव करता रहता है, टेलीस्कोप है ना तो यानी देखेगा कुछ तो मूव करता रहता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसको ये देखना है इसको। और जो मिरर टेलीस्कोप होता है वो भी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता है, वो एज स्टेशनरी होता है, याद रखिए स्टेशनरी होता है, रुका होता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन हमने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वर्सेस कन्वेंशनल मिरर टेलीस्कोप में भी देख लिया। उसके बाद अगला टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में, हुआ पहली मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। एक चीज़ और याद रखिए, जब हम बात करते हैं कोस्ट की, यहाँ पे होता है कोंकण कोस्ट, यहाँ पे है मालाबार कोस्ट केरला वाले एरिया में, इधर है नीचे कोरोमंडल कोस्ट, ऊपर है नॉर्दर्न साइरस, ठीक है ना। कोस्ट की बात करें तो सबसे लंबा कोस्ट किसका है, गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट है, याद रखिएगा स्टेट में। अगर यूटी में बोले तो सबसे लंबा है अंडमान और निकोबार। चलिए अगला है राजस्थान में 19 नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है। अब देखो जैसे जिस तरह आपको बताया कि स्टेट, नया स्टेट बनाना होता है तो क्या होता है, नया स्टेट बनाना होता है तो अमेंडमेंट करना होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब आपको नया स्टेट बनाना है तो दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 2 है एक आर्टिकल 3 है, इसको डिटेल में हम बताएंगे। आपको बताना है नया स्टेट बनाना है तो कौन से आर्टिकल का हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नीचे सिक्किम को केस लेके बताऊंगा। और इस देखो स्टेट गवर्नमेंट इसको या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या तो सिंपल ऑर्डर को पास करके, लॉ को पास करके कर सकती है। लेकिन आसान रास्ता पता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नया डिस्ट्रिक्ट बना देना, ठीक है। उसके अलावा गैंगटोक जो कि किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, यहाँ पे B20 समिट हुआ था, बिजनेस 20 समिट G20 ग्रुप का, और G20 का मेन समिट कहाँ पे, न्यू दिल्ली में सितंबर में होने वाला है। उसके अलावा G20 के अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। पिछले साल कौन किया था, इंडोनेशिया किया था, ये बात याद रखिएगा। और आपको पता है जो JNK में जो समिट हुआ था वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये बताओ आप। और एक और चीज़, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने वाले हो तो आप बताओ बिहार में जो समिट होने वाला है वो कब होने वाला है और किस सब्जेक्ट पे समिट होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है ना, किस सब्जेक्ट पे समिट होना है, प्लीज़। कई क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, ये आपको एक्स्ट्रा बताने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिहार से रिलेटेड एक आर्टिकल 2 और 3 तो मैं बता ही दूंगा, अभी नीचे ही बता दूंगा आगे टॉपिक। ये बताओ बिहार में कब होने वाला है, किस सब्जेक्ट में पे होने वाला है, ठीक है ना। और JNK का किस सब्जेक्ट पे हुआ था, ठीक है, थोड़ा आप भी सर्च करो। वोट फेस्ट 2023 यानी सिंपल पता, फेस्टिवल है, वोट को एज ए फेस्टिवल, वोटिंग को एज ए फेस्टिवल बनाओ, यानी वोटर्स को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए राजीव कुमार जी ने किया। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो और इलेक्शन कमिश्नर है, एक का नाम है अनूप सी पांडे और एक है अरुण गोयल साहब। आर्टिकल कुछ याद रखना, आर्टिकल 324 रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से, 326 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि यहाँ पे ये काम हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर करे, ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो गए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है कि 10% रिजर्वेशन मिलेगी CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और BSF में, किनको, जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे ना उनको मिलेगी। ये 1965 में बना था, ये 1965 में बना था, आप लोगों को लगा कि ये आज़ादी के समय बना, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे रहते हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर को, ऐसे अग्निवीर जो रिटायर है। और ये आपको PDF मिल जाएगा, ये आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए MoSPI की बात करें, MoSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है
मैन एंड वुमेन इन इंडिया 2022, याद रखना मैन एंड वुमेन इन इंडिया 2022, ये रिपोर्ट किसने निकाला है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अग्नि एग्री यूनिफेस्ट, ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ये कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, एक्चुअली बेंगलुरु कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया। एक तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी और उसके अलावा ICAR, ICAR के जो हेड होते हैं ना वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना वो प्रेसिडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। उसके अलावा सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी, मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 के थे रणवीर सिंह। अगला टॉपिक देते हैं आहार 2023। आहार 2023 एक फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने करवाया। कहाँ पे करवाया? प्रगति मैदान जो कि न्यू दिल्ली में, याद रखिए। उत्तराखंड ने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया है, मतलब उनके फ्रीडम फाइटर के लिए, फ्रीडम फाइटर नहीं बोल सकते, जो उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट दिलाने में जो लोगों ने मूवमेंट किया उनके लिए सही काम है, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार में जो यूपी से अलग करने के लिए जिन लोगों ने मूवमेंट चलाया उनको 10% रिजर्वेशन मिल रही है। और ये उत्तराखंड बना कब था? 9 नवंबर 2000 को। देखो 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9th को बना उत्तराखंड और 15th को बना झारखंड। आपको बताना है जब उत्तराखंड बना तो अंडर आर्टिकल 2 बना या अंडर आर्टिकल 3 बना, और आपको बताना है क्या उत्तराखंड जिस आर्टिकल के थ्रू बना उसी आर्टिकल के थ्रू सिक्किम बना, ठीक है? मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखो आर्टिकल 2 के अंदर बिल्कुल जो स्टेट नहीं है अभी भारत के पार्ट, जैसे सिक्किम, वो भारत का पार्ट बना। तो ये 1975 में बना था और सिक्किम 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। लेकिन जो थर्ड आर्टिकल में है कि दो स्टेट को आप तोड़ सकते हो, स्टेट का रिनेम कर सकते हो, एक स्टेट एक यूटी को मिला के एक दूसरा स्टेट बना सकते हो, उत्तराखंड के साथ भी वही हुआ। यूपी को दो पार्ट में बांटा गया, जरूरी नहीं दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा गया। उसके बाद जो वेटरन आर्टिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बात की है कि जो वेटरन आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट नहीं होते जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी गई है। उसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस पता है आपको, और 400 वंदे भारत एक्सप्रेस इस साल चलाना है। सुरेखा यादव ये पहली वुमेन है जो ड्राइव करी है वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये एशिया की पहली वुमेन है जो लोको पायलट थी, ठीक है, पहली वुमेन लोको पायलट थी। उसके अलावा एक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटका का, सिद्धारूढ़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, लगभग 1.5 किलोमीटर का है। उसके अलावा एक प्रोडक्शन लाइन बनाया जा रहा है जहाँ पे सारी वुमेन एम्प्लॉय होगी, अशोक लेलैंड जो कंपनी है जो बस ट्रक वगैरह बनाती है, होसूर प्लांट है उसका, वहाँ पे ये ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद शालिजा धामी ये पहली वुमेन ऑफिसर है, ध्यान देना पहली वुमेन ऑफिसर है जो कमांड कर रही है फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट को, जो कि मिशन स्क्वाड्रन है वेस्टर्न सेक्टर में, जो पाकिस्तान के साइड है वो वाले सेक्टर में। एक और चीज़ याद रखिए, हैंड एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर, सेवलॉन जो कंपनी है वो, अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन दो है, एक अर्बन है एक रूरल है। अर्बन आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, रूरल आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। पहले आता था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर, लेकिन आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड जो रिवर गंगा रेजुवेनेशन वाला जो मिनिस्ट्री था वो दोनों को मिला के जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दिया गया। गोवर्धन स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, वो एक 1.0 था 2014 में, था 2.0 2021-22 के बजट में है। उसके बाद ऑल इंडिया फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस ये मुंबई में हुआ 8 मार्च है। युवा उत्सव जो कि @2047 है, ये IIT रोपर में हुआ, जो कि पंजाब में है, अनुराग ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया। एक फाइनेंस फिन एम्पावर है, फिन एम्पावर का मतलब फाइनेंस में एम्पावरमेंट, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बताने की बात करी इन वुमेन, कि भाई वुमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी का थोड़ा कम ज्ञान होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके बाद बैंक अकाउंट बहुत लोगों के पास पहुंचा, खासकर वुमेन के पास। तो दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टार्ट किया इसको, BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसका सेंसेक्स 30 आता है जो इंडेक्स आता है, और NSE है, NSE कहता है निफ्टी। तो आप याद रखो निफ्टी 50 सेंसेक्स का 30 और निफ्टी 50,
याद रखना। तो एक बीएससी और दूसरा यूएन वुमेन, यूएन वुमेन, इन दोनों ने मिलके इस्टाब्लिश किया, इसको शुरू किया है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रख लें कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एक बाहुबली, ये एक्चुअली देखो रोड ऐसा होता है ना, रोड में हम देखते हो दोनों साइड पे स्टील वगैरह का लगा होता है कि आप इधर गिर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लगाया था, बैम्बू, बैम्बू लगाया था। बैम्बू यार क्योंकि ये तो हमारे अपने देश का है, खरीदना नहीं पड़ेगा, नहीं तो स्टील विस्टील हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ा है। और ये चंद्रपुर से यावतमल डिस्ट्रिक्ट के बीच है जो कि महाराष्ट्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पोषण पखवाड़ा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थीम क्या है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। अगला क्या है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, यानी वुमेन को, ध्यान देना, वुमेन को अवार्ड देने की बात करें, वुमेन को अवार्ड देने की बात करती है ये। रूरल वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में अगर कोई वुमेन अच्छा काम करे उस वुमेन को अवार्ड देने की बात कर रहा है। और मिनिस्ट्री तो बताने की ज़रूरत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो ना तो आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन जो फी में वेवर मिल जाएगा, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन करा न्यू दिल्ली में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन के फील्ड में न्यू दिल्ली में हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगला टॉपिक क्या है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट हुआ, ये क्या हुआ, कुमराकम केरला में हुआ, केरला में, याद रखिएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1300 पुराना, जो इंडिया का 1300 पुराना एक चीज़ है जो पत्थर वगैरह मिला है, और यहाँ पे देखो एक 12th सेंचुरी का खोंडकाइट स्टैचू मिला है, खोंडकाइट स्टैचू, एक्चुअली यही वाला पत्थर जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है ना उसके ब्यूटिफिकेशन में यूज किया गया है, याद रखना है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। पांचवा जो जो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है जिसमें पाँच जज हो कम से कम, तो पांच जज की एक बेंच थी, उन्होंने बोला कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना हो ना तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे तीन लोगों की एक कमेटी से, वो कमेटी में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, याद रखिएगा। और एक लेडी है जिनका नाम है हेकानी जाकालू, ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की है, ये पहली वुमेन जो कि इलेक्ट की गई है नागालैंड स्टेट असेंबली इलेक्शन में। फर्स्ट बिहेवियरल लेबोरेटरी जयपुर में बना, याद रखें बिहेवियरल लेबोरेटरी कहाँ पे बना है, जयपुर में। एशिया का लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस हुआ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि लंबाई 3651 है 3655 कहीं कहीं पे। ऑपरेशन त्रिपुल त्रिशूल हुआ जिसमें सीबीआई ने एक्स्ट्राडिशन करवाया है, एक्स्ट्राडिशन मतलब है जो जो भी बाहर भागे होते हैं, यहाँ पे कोई क्राइम करके बाहर भागे होते हैं उनके जो फ्यूगिटिव जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो यहाँ से भागे हैं उनको देश में लाया गया है। इंडिया और श्रीलंका ने इनाग्रेट किया है एक एग्जीबिशन जिसको नाम है जियोफ्रे बाबा, जियोफ्रे बाबा न्यू दिल्ली में किया है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, कहाँ पे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वहाँ पे एस जयशंकर जी ने इनाग्रेट किया। और ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी अपना कैंपस भारत में इस्टाब्लिश कर रही है, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात में, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग और है डाइकिन यूनिवर्सिटी। उसके अलावा सेंट्रल रेलवे ने बोला है 100% ब्रॉड गॉज को इलेक्ट्रिफाई करने की बात कर रही है, और ये उत्तराखंड भी ऐसे कर चुका है, मतलब ये इन्होंने अचीव कर लिया है, जो प्लान था ना वो अचीव कर लिया है। जन औषधि ट्रेन, जन औषधि आपको पता है ना, जेनेरिक दवाई की बात करें, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को ट्रेन को देश के अलग अलग कोने में पहुंचाया गया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इसके बारे में। उसके अलावा स्वच्छ दर्शन स्कीम जो कि 2.0 है, ये 30 लोकेशन है ना उसको जोड़ा गया 15 स्टेट में, ये थीम बेस्ड सर्किट होता है, थीम बेस्ड सर्किट होता है। उसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनाग्रेट किया बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस पे, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस पे, ये है पूरा हम मार्च महीने का नेशनल करेंट अफेयर्स कर लिए। अगर आप और डिटेल में बोलना चाहते हो और डिटेल में करूँगा, 9582062485 पे आप टेक्स्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।